हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरएफए वर्सेस एचआरए का पार्ट टू डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया था कि अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन की फैसिलिटी हमको प्रोवाइड की जाती है तो उस केस में हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हाउस रेंट अलाउंसेस की फैसिलिटी हमको दी जाती है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। उससे पहले हम लोग एक चीज़ ये देख लेते हैं कि आखिर एचआरए होता क्या है। सबसे पहला टास्क हमारा होगा कि हम एचआरए को पहचाने। तो एचआरए को क्या कहते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एचआरए इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ ए टैक्स पेयर सैलरी दैट रिड्यूसेस हिज और हर टैक्स लाइबिलिटी प्रोवाइडेड ही और शी स्टे इन अ रेंटेड एकोमोडेशन। देखो ये बात तो बहुत क्लियर हो गई कि एचआरए जो आपको मिलता है, आपका ये जो एचआरए होगा ये आपके टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, आपकी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, बशर्ते आप किसी रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे हो। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एच आर ए दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स यूजिंग ऑनलाइन एच आर ए एग्जेम्पशन कैलकुलेटर। आप हालांकि चाहो तो ऑनलाइन भी इसका मेथड यूज़ कर सकते हो, बट वो चीज़ें मैं आपको यहीं पर सिखा दूंगा कि प्रैक्टिकली आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हो। एच आर ए कैसे डिसाइड किया जाता है? एच आर ए के लिए बेसिकली जो भी एच आर ए आपको मिलता है उस एच आर ए में आपको लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा? सबसे पहले होगा जो भी एक्चुअल एच आर ए आपको मिल रहा है वो सबसे पहले आप उसकी फिगर मेंशन करोगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर आप दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई इन चार में से किसी भी स्टेट में रह रहे हो, सिटी में रह रहे हो, तब उस केस में आपको 50% ऑफ द बेसिक सैलरी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। और अगर किसी अदर जगह पे रह रहे हो तो 40% का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। ये सेकेंड फिगर भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा थर्ड फिगर आपको फिर से मेंशन करनी पड़ेगी, अगर आप जो भी रेंट पे कर रहे हो वो रेंट जो भी आपके 12 मंथ्स का रेंट है उसमें आप 10% सैलरी को रिड्यूस कर दोगे। 10% सैलरी रिड्यूस करने के बाद जो भी फिगर आएगी वो भी आप मेंशन कर दोगे। इन तीनों में से जो सबसे लोवेस्ट अमाउंट होगी वो आपकी एक्चुअल एचआरए से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जो सब्ट्रैक्ट होगी उसको हम लोग एग्जेम्पशन कहते हैं, और फाइनली जो रेसिडुअल वैल्यू आएगी उसको हम लोग टैक्सेबल वैल्यू करते हैं। आइए जल्दी से इसको कैलकुलेट करना भी सीख लेते हैं। यस, आगे की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग अगर ध्यान से समझे कि यहाँ पे हमें एच आर ए कैलकुलेट करना है। एच आर ए को कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको जैसा भी आपको बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एच आर ए में कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी और कितनी एग्जेम्प्ट होगी। इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसा मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि जो भी एक्चुअल एच आर ए आपको मिला है उसको एक जगह पर नोट कर लीजिए। आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो आपको एच आर ए मिला है वो मिला है 15,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ का मतलब हो गया 1,80,000 रुपीज़ पर एनम। पूरे एक साल में आपको 1,80,000 रुपये मिला है। इसके अलावा सेकेंड पार्ट क्या होगा कि आप लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग को एग्जेम्प्ट कर लोगे। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में सबसे पहले क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, मैं आपको दोबारा से दिखा दे रहा हूँ। यस, जस्ट अ सेकेंड, ये है यहाँ पे सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट। तो एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट आ रहा है 1,00,000। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1,80,000। ठीक है, मैं सही से इस पर लिख नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 50% ऑफ द बेसिक सैलरी इफ ही रिसाइड्स इन दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, और 40% इन एनी अदर स्टेट। तो क्योंकि यहाँ पे भोपाल में रह रहा है तो 40% कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से एक बार हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे सैलरी हमको मेंशन कर रखी है वो है 2,88,000 रुपीज़। तो 2,88,000 का अगर हम 40% निकाल लें तो 2,88,000 रुपीज़ का अगर हम 40% निकाल लें तो ये आ जाएगा 1,15,200। तो सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट था 1,80,000, सेकेंड अमाउंट था 1,15,200। इसके अलावा फिर जो हमारी थर्ड चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, जल्दी से देखते हैं थर्ड चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी है। थर्ड चीज़ हमें निकालनी है रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। तो जो भी एक्चुअल रेंट पे किया है आपने उसमें से आप 10% सैलरी को रिड्यूस कर देंगे। आपको जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 15,000 रुपीज़ इनको एचआरए मिल रहा है और 15,000 रुपीज़ का इन्होंने रेंट भी पे किया है। तो अगर 15,000 रुपीज़ का इन्होंने रेंट भी पे किया है तो उस हिसाब से इनकी जो एक्चुअल रेंट है वो है 1,80,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लोग उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा 1,15,200 रुपीज़ हमारा निकला था सेकेंड पार्ट से। यस,
तो 1,80,000 जो इन्होंने रेंट पे किया है, इसमें हम माइनस कर देंगे जो भी इनकी सैलरी है उसका 10% इंटू 10%, ये अमाउंट आ रही है हमारी 1,51,200। तो आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट से हमारा आंसर आया था 1,80,000, सेकेंड पार्ट से हमारा आंसर आया था 1,15,000 समथिंग, और थर्ड पार्ट से हमारा आंसर आया 1,51,200। जो जो इन तीनों में लोवेस्ट फिगर है, मैं आपसे एक सजेशन दूंगा कि आप इन चीज़ों को एक बार अपने बगल में पेन और पेपर से नोट भी कर लें तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो पॉज करके दोबारा से रिवाइंड कर लें, फॉरवर्ड कर लें, जैसा भी आपको एडजस्टमेंट करना हो एडजस्ट करके इसको दोबारा से सुन करके समझ लीजिएगा। आप 2,88,000 का 10% माइनस करने के बाद वैल्यू आ रही है 1,51,200। तो तीनों में से जो सबसे लोवेस्ट फिगर थी वो सेकेंड वाली थी। सेकेंड वाली फिगर क्या आ रही थी, जो आपकी सैलरी है 2,88,000 का 40%, तो आ रहा था 1,15,200। चलिए याद रखिएगा 1,15,200 हमें जो वैल्यू मिल रही है, जो हमें एचआरए मिल रहा है वो मिल रहा है 1,80,000, उसमें से 1,15,200 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो टैक्सेबल एचआरए होगा वो होगा 64,800। यहाँ पे मैंने 64,800 रुपीज़ मेंशन कर दिया, यहाँ पे आप चेक करो 64,800 रुपीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। बाकी की सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ थी, सेम टू सेम फिगर्स हमने उठा करके पेस्ट की है, और जैसा मैंने आपको पिछली पार्ट में भी बताया था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें 50,000 मिलती है, वो भी हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। फाइनली इन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 3,95,920। इन दोनों ही में अगर हम कैलकुलेट चेक करें तो RFA मिलता है तो मेरी सैलरी होती है 3,80,512, HRA मिलता है तो हमारी सैलरी होती है 3,95,920। तो उस हिसाब से हमारी जो सैलरी आ रही है वो सबसे कम आ रही है RFA वाली कैटेगरी में, और यहाँ पे ही मुझे सबसे कम टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर आप चेक करो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है ये कंक्लूजन है, सैलरी इनकम इन केस ऑफ ऑफर ए इज़ लेस, हेंस शी शुड ऑप्ट फॉर RFH, यानी कि रेंट फ्री हाउस के लिए इसको ऑप्ट करना चाहिए। क्यों ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि सैलरी सबसे कम आ रही है। ठीक है, थैंक यू।